बात का ध्यान रखना। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे नेताजी इस मामले में लगे हुए हैं, वो देश के सामने बताना चाहते हैं कि दुबई की चाल चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को ईमानदार कहने वाली, किस तरह से देश की सुरक्षा से समझौता करके और दो नंबर से पैसे का गबन कर रही है, वो आपके सामने यहाँ लाना चाहते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के इस घोटाले को, भारतीय जनता पार्टी के इस घोटाले को, भाजपा की सरकार के घोटाले को जन जन तक पहुंचाएंगे और देश के सामने जो इन्होंने बेईमानी की है, देश के साथ में जो इन्होंने छल किया है, कपट किया है, दलाली की है, उस दलाली को सामने लेकर आएंगे, ऐसा मैं मानते चलता हूं। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबसे कहूंगा कि जब जब भी हमारे नेताओं का हमें आदेश मिले, राहुल गांधी जी का, अजय माकन जी का, तब तब हम लोग यहाँ भी वो इकट्ठा करेंगे, उनकी आवाज पर वहीं पर इकट्ठा होकर इस सरकार को नंगा करने का हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ना जाने कब कहा कौन सी गली में जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, ना जाने कब कहा मौत का पैगाम आ जाए, मैं तो उस मौके की तलाश में हूँ यारो, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी काम आ जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एक अपने आप को ईमानदार प्रधानमंत्री आया था, कह रहा था मैं ईमानदार हूँ, और सबसे पहले उसने जुमला बोला था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आप दिल से अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से ईमान से बताइए किस किस के खाते में आ गए, क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आए? ये नहीं जो समझो आए नहीं, नहीं। पेट्रोल सस्ता हो गया कि नहीं, गैस सस्ती हो गई कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बड़े बड़े लीडर मंच पे खड़े हुए,